हेलो हेलो चेक वन टू थ्री चेक करने भाई हेलो चेक 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 आ रही है आवाज कहाँ से आएगी मेरे को हेलो 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 धीरे बोल मुबारक हो काफ़ी दिनों के बाद हम वापस आ गए और इसकी शक्लें देखने के लिए और बातें सुनने के लिए आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं ऐसा मैंने सुना है कमेंट्स में और क्या देख लो इसके हालात मैं सोच के थोड़ी लो लो खुशी है और मुझे थोड़ा गम भी है कि हम वापस आ गए चल कंटिन्यू इसको वहीं छोड़ आती ना मैं पंद्रह दिन के वीजे पे क्या दो महीना रहेगा क्या तो बेसिकली हम गए थे थाईलैंड पंद्रह दिन का वीजा था चौदवे दिन हम घर वापस आ गए हम बहुत श्याण हैं हम बहुत तेज हैं मतलब एक दो वो होता ना एक लीटर का जो टोन मिल्क का पैकेट आता है उसमें से लास्ट बूंद तक निचोड़ के आप गर्म करते हो वही किया हमने की थोड़ी तबियत खराब होगी वरना हम तो एक्सटेंड कर लेते वीजा मतलब हाँ बट ऐसा लग रहा था कि लैला आपको मिस कर रहे थे तो ऐसा लगा कि यार अगर वो साथ होती तो तो कोई वापसी का चांस ही नहीं था बट लैला नहीं थी इसलिए हमें घर वापस आना पड़ा सच्चाई तो यही है तो अब हम वापिस आ चुके हैं पंद्रह दिन हमने वहां लगाया उसके बाद हमने हफ्ता लगाया अपनी एनर्जी लाने में क्योंकि देखो उम्र का तकाजे तो हो ही चुके हैं तो टाइम लगता है रीगेन एनर्जी करने में उनको सब सच पता है ठीक है करना होता है तो ऐसे देख रहे हो जैसे कि तुम अभी साल के कवारे हो और मैं सोलह साल की हसीना मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं साल अपनी उम्र दस साल कम करके आया मन से तो मैं हूँ हाँ तो भाई हुआ ऐसा है कि बूढ़े बाबा बंगारू ठीक है बूढ़े बाबा बंगारू जो पेड़ पे रहते थे आज से हजारों साल पहले से ही वो पेड़ से रहते हैं और लोगों की कहानियां वो सुनाया करते हैं उन्होंने मेरे सपने में आके मुझे बताया कि नहीं हंसते भाई हंसते नहीं है जबरदस्ती नहीं हंसता यार मैं ये क्या कम हंसते हैं हंसने वाला छोड़ दो टॉपिक रोते रहते हैं शक्लें मनाते हैं तो उन्होंने बोला कि थाईलैंड गया था ना पिछली बार जब तीन चार साल पहले वहीं अपनी हंसी छोड़ा है इसको ले जा तू देख कैसे लड़का बदलेगा और बाइक गॉड की कसम जब से उस ट्रिप पे गया ना इसकी क्वर्किनेस और इसकी वो ना क्योंकि मुझे आदत ही नहीं रह गई थी कि इसकी वो वाली चीजों की ना मुझे आदत ही नहीं रह गई थी तो पहले एक दो दिन तो मैं अपसेट हुई कि भाई ये कौन है फिर मैंने पहचाना कि नहीं यही है ही इज बैक लड़के आ मसाज आ रहा है तो भाई है, कर यार. हाँ यार देख रहे हो सुन रहे हो इसकी बातें तो अब

बैंकॉक uh, एयरपोर्ट पे कह रहा है मैंने ना लास्ट बियर पी रहा है कह रहा है मैंने ना भाई अपने दोस्त को बोल रहा है ठीक है है सिंगा बियर बियर इज द द बेस्ट इन वर्ल्ड कह रहा ये एक ये एक सिंगा लेके आया ये लास्ट है अब इसके बाद तो भाई पिए गए नही दस किलो कम होंगे फिर शराब को हाथ लगाएगा मैं तो ऐसे हम तो सुन, सुन चुके हैं यूज ना मारेंगे अरे हम सुन चुके हैं यार हमें सब पता है तुम्हारी सच्चाइयां हमसे आंख बंद करके किताब लिखवा लो ठीक है

कान, तो हुआ क्या कि हम चले गए फ्लाइट में ठीक है मैं वहाँ जाके मैं तो हर हर फ्लाइट में जाके ही पुलट जाती हूँ ठीक है मैं सो गई आराम से पंद्रह बीस मिनट के बाद ना मुझे इस ऐसे की आवाज़ आई तो मैं उठी मैंने देखा वो एक अंकल खड़े हैं मतलब वही लड़का तो वो ना ऐसे सर्व कर रहा है और वो ड्रिंकें दे रहा है सबको ठीक है तो वहाँ मैंने देखा कि इसने वहाँ पर ऑलरेडी बोल रखा है कि इसके लिए एक जो पिल्कुल नहीं पीती

तो दो मंगाई उसको उसने बोला कि उसने ना अचानक से एक आधे बंदे से और पूछा उसने बोला हाँ दो दो दे दो तो तो वो एट टाइम दो दो दे रहे थे इसने तो बोला हाँ फिर आई विल ऑल्सो वन तो अब हमारी हो गई दोनों टेबलों पे तीन ठीक है फिर क्या होता है कि वो बंदा कहता है, है वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं आई डोंट ड्रिंक तो उसने बोला बियर भी है मेरे पास उसने निकाला छोटा सा हैनी का

काश ऐसा हो जाए क्योंकि कुछ भी बोलता है वो होता है नहीं, तो नहीं कुलचे छोले बैठ मतलब के मुकर गया तो फिर क्या ही हो सकता है I have decided कि सिर्फ और मैं बाहर का खाना नहीं खा रहा हूँ बस एक ग्लास छोले भटूरे खाए कल स्पाइसी नहीं खाया चावल और चिकन खा रहे हैं फ्राइड वाले तो अगर थाईलैंड जाओ

मुझे एंगजाइटी होती है कि यार क्या हो गया यार हज़ार हुए थे हज़ार से वन पॉइंट टू फाइव है मैं अंदर घुस घुस के देख रही हूँ पूरी इसको नहीं पता बट मुझे प्रॉब्लम है तो अभी के अभी जाओ और इस वीडियो को तो मैं यहीं खत्म कर दूँगी और अभी के अभी जाओ क्योंकि अगर मैं कुछ और बोलूँगी तो तुम फिर भूल जाओगे ठीक है ना तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म तुम फटाफट जाओ वहाँ पर और नीति रमन ब्लॉग्स में आ, सब्सक्राइब करो पहले तो मेरे सब्सक्राइबर मुझे बड़े हुए चाहिए ठीक है ये हजार डेढ़ हजार हो तो गया है यार हूं मैं सेल्फ मोटिवेशन क्वीन बट इतना भी नहीं यार अब क्या मतलब ट्रैक्टर के नीचे रख के रोनते ही जाओगे क्या दिल भी टूटता है इंसान का कभी <laughs> शिद्दत से काम करती हूँ ठीक है तो फटाफट जाओ और मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए कम से कम दस हजार नहीं किया हुआ मैंने कौन सुनेगा घर वाले ऐसे हैं घर वाले घर वाले ऐसे हैं

नाम नहीं लेना ना। इसको अपने उसको चलो चलो जाओ यार तुम्हें सब पता है जाओ